अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ एक्टिविटी। माय टुडेज रेसिपी इज चिकन वेजिटेबल रोल, जिसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, और जब मैं इनको ऐड करूँगी तो ये और भी क्लियर हो जाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एक पैन ले लें, उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करें। इसमें 2.5 कप मैश बॉइल्ड चिकन ऐड कर दें। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करें। 2 कप कैरेट एंड 2 कप कैप्सिकम ऐड कर दें। कैबेज ऐड कर दें। 4 to 5 चॉप की हुई ग्रीन चिली ऐड कर दें। 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दें। 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट ऐड कर दें। 4 to 5 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दें। विनेगर इज ऑन योर चॉइस, आप 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। 1 कप चॉप बॉइल्ड पोटैटो ऐड कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अब 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह स्टर फ्राई कर लें। उसकी फॉर्म कुछ इस तरह की होगी, मैं आपको करीब से व्यू करवाती हूँ, ठीक है। अब ये हमारी फिलिंग रेडी है, अपने अकॉर्डिंग इसका ब्लैक पेपर और सॉल्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब इसकी पेस्टिंग के लिए इसका मटेरियल प्रिपेयर कर लेते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून ऑल पर्पज पाउडर एज पर योर रिक्वायरमेंट एक बाउल में लेकर उसके अंदर वाटर को मिक्स कर दें। इसकी जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ना बहुत थिक और ना ही बहुत लिक्विड, अदरवाइज जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये बर्न हो जाएगा। अब सेवरल वेज के साथ जो है आप इसकी फिलिंग कर सकते हैं। 2 से 3 मेथड में आपसे शेयर करती हूँ। इस तरह से एक स्क्वायर पट्टी ले लें और इसके ऊपर जो है अपना मिक्सचर पोर कर लें। मिक्सचर आपकी चॉइस पे आप कितना फिल करना चाहते हैं। कॉर्नर को इस तरह इसके ऊपर टर्न कर लें और थोड़ा सा मटेरियल लेकर इसको साइड्स पे इस तरह अप्लाई कर दें। ये जो है वो बहुत इजी है, इस स्क्वायर पट्टी के साइड्स पे आपने पेस्टिंग मटेरियल को अप्लाई कर देना। एक रेक्टेंगुलर पट्टी ले लें और उसको फर्स्ट क्लिप लगाएं, जहां पे इसको फर्स्ट टर्न करना है ट्रायंगुलर शेप में, वहां पे आपने यूं पेस्टिंग मटेरियल लगा लेना है। अब इसको नेक्स्ट फिर से फ्लिप करना है इसी तरह ट्रायंगुलर, और अगेन फिर फ्लिप करना है। दोबारा शो करती हूँ। जो लास्ट मेथड है यूनो के लिए, जो कहते हैं कि जब हम घर में रोल बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनकी तय मोटी होती है, तो वो इस तरह से अपनी पट्टी को बीच में से टर्न कर लें और उसको सेंटर से कट कर दें। इस तरह ये 2 पार्ट्स में हमारे पास सेपरेट हो जाएगी, फिर एक पार्ट को यूज़ करें। अब इस तरह बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप में इसको टर्न करेंगे पहला टर्न, और जो दूसरा टर्न करने से पहले यहाँ पर आप मटीरियल को अप्लाई करेंगे पेस्टिंग मटीरियल को। अब इसको इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देंगे, हैंड की हेल्प से इसको अच्छे से दबा देंगे, और फिर इसको इस तरह से ट्रायंगल को बीच में साइन रख के इस तरह से टर्न कर देंगे। अब इस
से व्यूअर्स, आपके जो रोल्स और समोसाज आपने बनाए हैं वो जो आपके पास रिमेनिंग बचा है उन्हें कंटेनर्स में डाल के फ्रीज कर लें, ये 1 मंथ तक बिल्कुल ठीक रहेंगे। और एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि जब आप उनको फ्रीज करें तो चाहे वैक्स पेपर, चाहे एल्यूमिनियम पेपर या कोई भी फूड शॉपर जाके पास घर में अवेलेबल है उसको अपने जो है कंटेनर के लास्ट पे यूं लगाकर फिर इसको बंद करें। और मैंने तो इसके सेंटर में भी जो है इसको यूज़ किया है ताकि जब मैं इसे ओपन करके फ्राई के लिए निकालूं तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ना हो। ठीक है, कर लेते हैं। आपको जो फ्लेम बहुत हाई पे इसको अंदर नहीं डालना वरना ये बंद हो जाएंगे, और बहुत लो भी नहीं रखना। 1 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज कर लेंगे। कितने प्यारे लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो गए, अब इनको हम निकाल लेते हैं।